क्रिकेट फैंस एक बार फिर से कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि एक और ट्रॉफी आने की उम्मीद जग गई है। महिला क्रिकेट टीम एशिया कप के फाइनल में पहुंच गई है और अब चांस है कि फाइनल में इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला होना तय है। शुक्रवार यानी 26 जुलाई को महिला एशिया कप का पहला सेमीफाइनल खेला गया। भारत और बांग्लादेश की टीमें आमने सामने थी और जो नतीजा निकला उस पर किसी को हैरानी नहीं हुई। टीम इंडिया ने 10 विकेट से जीत दर्ज की है और फाइनल में जगह बना ली है। टीम इंडिया के लिए ये आसान लड़ाई थी क्योंकि पहले ही ओवर से बांग्लादेश के विकेट गिरना शुरू हो गए थे और दबाव इतना बना कि बांग्लादेश पूरी तरह सरेंडर कर गया। 20 ओवर में बांग्लादेश की टीम 80 का ही स्कोर बना पाई और 8 विकेट उसने गंवा दिए थे। यहां बॉलिंग में टीम इंडिया की स्टार रही तेज गेंदबाज रेणुका सिंह और राधा यादव, दोनों ने ही इस मैच में 3-3 विकेट लिए। एक भी मोमेंट ऐसा नहीं आया जब लगा हो कि बांग्लादेश मैच में कहीं टिक पाया हो। अब जीत के लिए सिर्फ 81 रन चाहिए थे। ओपनिंग पर शेफाली वर्मा और स्मृति मांदना आई, बिना कोई विकेट खोए दोनों ने ही 11 ही ओवर में इस टारगेट को हासिल भी कर लिया। टीम इंडिया बड़े धमाल के साथ फाइनल में पहुंची है और अब उसके पास एक मौका है कि रिकॉर्ड 8वीं बार एशिया कप जीत जाए। अभी तक 4 बार वनडे फॉर्मेट में और 4 ही बार T20 फॉर्मेट में एशिया कप हुआ है। अगर आप टीम इंडिया का रिकॉर्ड जानेंगे तो हैरान होंगे क्योंकि वनडे में 4 बार भारत ने ही एशिया कप जीता है और T20 में 4 में से 3 बार एशिया कप भारत के नाम हुआ है। 2018 में जो एशिया कप हुआ था उसे बांग्लादेश ने जीता था, लेकिन अब वो भी टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। भारतीय टीम ने इस एशिया कप में अभी तक अपने सभी मैच जीते हैं। टीम इंडिया के लिए शेफाली वर्मा और स्मृति मांदना दोनों ही जबरदस्त फॉर्म में हैं और बॉलर्स भी शानदार रंग में हैं। बस अब इंतजार है रविवार को होने वाले फाइनल का। इंतजार इस बात का भी है कि इंडिया के सामने श्रीलंका होगा या फिर पाकिस्तान। उम्मीद तो यही है कि विरोधी कोई भी हो, जीत इंडिया की ही होगी। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। शुक्रिया।